हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे बालों का हाल देख रहे हैं। वैसे तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं और थोड़ा सा बढ़ भी गए हैं, तो मुझे इन्हें ट्रिम करवाना है। और ट्रिम करवाने के साथ साथ मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं स्मूदनिंग या फिर कैरेटिंग करवाऊँ, मतलब इस तरह सा कुछ डीप कंडीशनिंग कुछ भी करवाना है मुझे। तो मैं जा रही हूँ शोरूम, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी लेके चलूँ। और अभी मैंने क्वायरीज नहीं की हैं कि क्या कैसे है, तो एक बार क्वायरीज भी करूँगी, देन उसके बाद डिसाइड करूँगी कि मुझे, मतलब मुझे हेयर कट तो लेना ही लेना है और मैंने वॉश नहीं किया है। हेयर वॉश मैं वही करूँगी, थोड़ा सा आगे से बैंग्स कटवाऊँगी। तो काफ़ी दिनों से मैंने हेयर, जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था तभी कट करवाया था, उसके बाद। तो ये है मेरे बालों का हाल। चलिए थोड़ा सा रेडी होती हूँ, देन उसके बाद मैं चलती हूँ। आप भी छोड़ो। तो मैंने बालों को बिल्कुल भी वॉश नहीं किया है और जस्ट ऐसे ही मैं इनको एक पोनी बना लूंगी। तो मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं, मुझे जानते हैं कि मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, जस्ट लिप कलर अप्लाई करती हूँ। और यहाँ पे मैं जो लिप कलर अप्लाई करने वाली हूँ वो है एम्बे का एटीट्यूड। काफी अच्छा है मुझे, मतलब मैं माई, और ये देखिए रेड टॉप पहना है तो रेड लिपस्टिक लगाना बनता है। मामा हमको भी लगा दो। मामा हमको भी लगा दी है। सो जो है वो बेबी को भी लिप कलर लगाना है और पूरे मुंह पे जो इनके दाल लगी हुई है। चलो ठीक है। हाँ, तो उसको भी लिप कलर मैंने अप्लाई कर दिया है। बहुत अच्छा है ये, और मतलब आप लगा सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। नीचे उतरिए। और आईलाइनर के गर्मी में हमेशा लिक्विड लाइनर मत कीजिए, हमेशा ड्राई वाला यानी कि पेंसिल वाला ही यूज करिए। बिकॉज जो बोलते हैं लिक्विड वाला होता है वो थोड़ा सा फैलने लगता है, इसलिए मैं हमेशा पेंसिल वाला ही लाइनर यूज करती हूँ। मेकअप जो मैं हमेशा करती हूँ, यही मेकअप मैं वीडियो शूट के लिए भी करती हूँ। किसी की शादी हुई या कुछ ऐसा हुआ तो ही मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ। मैं फाउंडेशन
एडिटिंग करवा के अभी घर आई हूँ। वहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं दिखाई पाई बिकॉज मेरा जो फोन की है बैटरी पूरी तरह से चली गई थी और मैं पावर बैंक भी नहीं ले रही थी। तो दिस इज फाइनल लुक, तो मैं इसको नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे एक बार वॉश और करवाना है। तो ये है और उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, बस बोला कि बालों को टाइट टाइट मत करिएगा, जैसे आप बालों को बैन लगा सकती हैं। और ये है मेरा लुक कैरेटिन का, और अभी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी कैरेटिन में आपको क्या करना है, कैसे रखना है बालों को, प्रॉपर उसका एक वीडियो बनाऊंगी। और ये है, और मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये टॉप आपने कहाँ से लिया, क्या ऑनलाइन क्या लिया। तो ये टॉप फुली कॉटन का है और अभी ये देख सकते हैं बहुत ढीला टॉप है, मेरे से टाइट भी नहीं कर रहा है बिकॉज गर्मियों में ढीले कपड़े पहनना मुझे बहुत पसंद है। और ये तो मैं इसे फाइनल लुक तो नहीं कह सकती हूँ, अभी फाइनल लुक आपको मंडे या ट्यूसडे में पता चलेगा जब मैं बालों को वॉश कराने जाऊंगी। मैं घर आई, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे चाय दी, उन्होंने चाय बना के रखी हुई थी, मैंने चाय पी। और हाँ, मैं बात कुर्ते की कर रही थी, तो काफ़ी ढीला कुर्ता शॉर्ट है, यानी कि जीन्स पे मैं इसको पहनती हूँ, लॉन्ग कुर्ता नहीं है, शॉर्ट कुर्ता है, प्योर कॉटन का है। और मैं टाइट कराने वाली इसे बिल्कुल भी नहीं हूँ बिकॉज गर्मियों में मुझे जो है वो बहुत ही ढीले कपड़े पसंद आते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही कुर्ते गर्मियों में प्रेफर करती हूँ। और बाल मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, छूने में काफ़ी अच्छे हैं, अभी उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज जो भी इसमें उन्होंने सोल्यूशन लगाया है उसे वॉश करना है, वो अभी वॉश नहीं हुआ है। काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट है। और इसका जो प्राइस है वो उन्होंने मुझसे लिया है 7000, यानी कि 6500 कैरेटिन का लिया है। देन मेरे मतलब बालों के लेंथ का ये फाइनल प्राइस नहीं है, अगर बाल आपके बड़े होंगे तो उससे बढ़ जाएगा। तो 6500 कैरेटिन का लिया है और 700 मेरे बालों के कट का, तो जो मैंने कट लिया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। और पर्टिकुलर मैं एक कैरेटिन भी बनाऊंगी वीडियो की, उसकी कैसे देख रेख करते हैं, उसकी अभी भी लगा हुआ है, बिल्कुल भी छूटा नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, बालों को टाई नहीं करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं घर पे हमेशा और खासकर गर्मियां हैं तो बालों को टाई करके ही रखती हूँ। फेस का ग्लो आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया था। एक जूस बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों के साथ आज या कल में शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू ये फेस का ग्लो बहुत अच्छा आया है। एक दो क्रीम्स भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि मैं क्या ले रही हूँ, एंड जो भी चीज़ें ले रही हूँ प्रॉपर आप लोगों के साथ मैं जो है वो शेयर करती जाऊंगी। और मैंने कैरेटिन का प्राइस भी आपको बता दिया, ये मैंने जावेद हबीब के शोरूम से करवाया है, यहीं मेरे घर के पास में है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो गाइस आज है मेरे बालों का थर्ड डे, तो आज मुझे बालों को वॉश कराने जाना है जैसा कि उन्होंने मुझे बोला था। तो मैं जस्ट जा रही हूँ बालों को वॉश कराने, और चलिए वहाँ पे आपको भी लेके चलती हूँ। और मुझे हल्के से अपने आगे के जो बैंग्स हैं वो शॉर्ट करवाने हैं, तो चलिए चलते हैं पार्लर। पार्लर जाने से पहले मुझे रेडी होना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ रेडी होने, तब फिर मिलती हूँ आपसे। दिस इज़ डन, और जस्ट मैंने बालों को मैं कुछ नहीं किया, ऐसे लाइट सा फॉर्म कर लिया है, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया है और कुछ भी नहीं किया है। और मैंने पहना है ये रेड टॉप, तो चलिए चलते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ बिकॉज जिन्होंने मेरा कैप्टन किया था वो अभी थोड़ा सा बिजी हैं जेंट्स उसमें, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अभी। तो जस्ट हेयर वॉश हो रहा है और बाद में कंडीशनर लगा है, इसीलिए 4 to 5 मिनट मैं वेट कर रही हूँ।